सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक बढ़िया होंगे। और फाइनली क्रिप्टो के ऊपर पहली बार क्रिप्टो के ऊपर टैक्स की बात करी गई और टैक्सेशन की बात करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। फर्स्ट टाइम कहा गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्सेशन होगा, यानी कि आप कोई भी प्रॉफिट करोगे उसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं क्या कुछ कहा गया है। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो करना जानते हैं। आप लोगों से चाहूँगा आप लोगों का कमेंट कि आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, कि जो अभी रूल रेगुलेशन लाया जा रहा है क्या वो सही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे को भी डाउटफुल हो रही है। दैट आई विल ट्राई टू क्लियर आउट एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अपडेट ऑन दैट एज वेल इन कमिंग डेज। फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या कहा गया है उसको जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए जिन लोगों ने उस न्यूज़ को मिस किया कि कैसे अब देना होगा क्रिप्टो के ऊपर टैक्स। उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कमेंट आज जानना कि आप क्या कहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैं कहूंगा, जिसका सब वेट कर रहे थे, वो है पहली बार गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 30% टैक्स लगेगा ऑन गेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पे अपडेट जो आई, जो कि समझनी यहां पे जरूरी भी है, और आप भी अगर आपको समझ आई ज्यादा मेरे से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपए आपका रह गया और 50,000 आपने बैंक में विड्रॉल कर लिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज उसको करेक्ट भी करिएगा। अगर ऐसा है, अगर ये पॉइंट बिल्कुल जो अभी लिखा आ रहा है ऐसा होता है, तो आई बिलीव कि ये एक डिसकरेजमेंट है क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिकॉज ये कोई मजाक नहीं है। कोई भी अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, वहां पे भी 15% के अराउंड टैक्सेशन होता है शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर, लेकिन यहां पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगा है, जो कि वेरी वेरी गुड न्यूज है फॉर ऑल इंडियन क्रिप्टो होल्डर्स। लेकिन घाटा होने पे भी टैक्स देना होगा, ये थोड़ा मेरी समझ से परे है। इसको अगर और डिटेल में कुछ न्यूज आती है तो फॉर श्योर आई विल ट्राई टू अपडेट यू गाइस। अगर आपके पास और कोई इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एड ऑन करिएगा। और अगर आपके इसी दौरान अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो जो भी आपके पास अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के थ्रू जब्त कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा ले लिया जाएगा, जो कि एक और कंसर्न पार्ट है, तो टैक्सेशन देनी जरूरी हो जाएगी। अब बट ये मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा स्टेप है इन रिगार्ड। एक स्टेप अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन आना कोई बुरा नहीं होता, टैक्सेशन आना बहुत अच्छा है, बिकॉज अब एटलीस्ट हम फ्रीली हम कह पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है और उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं इजीली। ये काम अब हो पाएगा आफ्टर दिस बजट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि इस बजट के अंदर कही गई, वो कही गई डिजिटल रूपी विल बी लॉन्च इन 2022-2023, जिसकी हम ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे कि एक डिजिटल रूपी, इंडियन रूपी का करेंसी, या आप कह सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर एक करेंसी आ सकती है, उसकी भी अनाउंसमेंट हुई है 2022-23 के अंदर वो आ सकती है। तो 22-23 के कहा गया है, तो आप 23 ही पकड़ के चलो कि 2023 के अंदर शायद इंडियन की खुद की क्रिप्टो करेंसी आ सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एड ऑन किया गया, जो कि मेरे को सही से समझ नहीं आया और शायद अच्छा भी नहीं लगा, वो है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट टू बी चार्ज 30% टैक्स। ओके, हम मान लेते हैं, लेकिन प्लस 1% टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन एज वेल, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% टैक्स भी देना पड़ेगा, जिसे हम TDS भी कह सकते हैं। ये भी कहा गया है, जो कि मेरे लिए काफी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन तो पता नहीं कितनी ही ज्यादा करते हैं और एट द एंड बहुत टाइम बाद, क्योंकि हमारा एम एंड विजन यही है कि बिटकॉइन जब बहुत ज्यादा दूर लंबा पहुंच जाएगा, $1,00,000 शायद पहुंच जाएगा, उसके पार हो जाएगा, तो हम कन्वर्जन करेंगे। लेकिन यहां पे बात करी जा रही है 1% टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। अभी तक कितनी सारी ट्रांजेक्शन आप लोग हम लोग करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, फिर दोबारा उसको बाय करते हैं, फिर दोबारा सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं, सेल करते हैं, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन टैक्स 1% टैक्स देना, ये मेरी थोड़ी समझ से दूर है, थोड़ा समझ से मुश्किल है। इसके ऊपर भी अगर आपका किसी का कमेंट है, ओपिनियन है कि क्यों कहा जा रहा है और कैसा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, 30% टैक्स, घाटे के ऊपर भी टैक्स, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स इज वेरी गुड, क्योंकि हम अब कह सकते हैं क्रिप्टो इज लीगल फाइनली। वर्चुअल करेंसी से कमाई के ऊपर टैक्स, उसके बाद अगर छापामारी होती है तो उसके ऊपर आपका सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद डिजिटल करेंसी इंडिया की 2022-23 में आ सकती है, और इंपॉर्टेंटली प्लस 1% टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आप लोगों को ज्यादा इसको समझ आया हो। अगर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% टैक्स है तो इट इज अगेन वेरी डिस्करेजिंग, जहां पे ये पॉइंट
लॉस के ऊपर टैक्स और 1% टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, ये दोनों पॉइंट मेरे को डिस्करेजिंग लग रहे हैं, जहां पे 30% टैक्स मेरे को काफी एनकरेजिंग लग रहा है। तो अपना ओपिनियन जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर ट्रेड के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।